हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्लायर कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है। अब अगर हमें फ्लायर बनाना है तो इसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में फाइल टैब में। ये रहा फाइल टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर मिलता है मोर टेम्पलेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, ये है फ्लायर का ऑप्शन, ठीक है, ये दिख रहा है। बस इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लायर के टेम्पलेट जो है आपके सामने आ जाएंगे। अब जो मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला सेलेक्ट हम कर लेते हैं, सर्किल फ्लायर, ठीक है। बस इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ से क्रिएट बटन आपको दिखाई पड़ेगा। इस क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर आ जाएगा। अब आप यहाँ से इवेंट वगैरह का नाम चेंज करके, मान लीजिए कोई भी आप इवेंट रख दीजिए, या एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, बस इसको यहाँ बाहर क्लिक करिए और इसको सेव करते ही जो है आप देखेंगे कि आपका जो फ्लायर है वो बन गया, ठीक है।